दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में पता ही होगा। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा ये भी आपको पता होगा। आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, कुछ ऑटोमेटिक टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शंस के अलावा भी कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि आप ऑटोमेटिक अपने चैनल पर सेट कर सकते हैं। दरअसल ये वीडियो हर यूट्यूब वाले को देखना चाहिए, चैनल वाले को, चाहे वो नए हो पुराने हो। अगर आप जानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आप जानते हैं तो मैं आपके लिए अगले बार कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं ये बता दूँ कि इसमें जो मैं बताने वाला हूँ ये है कि यूट्यूब पर एक ऐसा भी फीचर, एक फंक्शन है, एक सेटिंग है, जहाँ पर आप जो है कुछ चीज़ को सेव करके रख देंगे तो वो हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आपने ट्यूबवीडी के बारे में पता है आपको, तो ट्यूबवीडी में क्या करते हैं कि जैसे लिंक्स होते हैं वीडियोज़ के, तो वो सारे लिंक्स एक ही मिलाकर वो जमा कर देते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरह से ट्यूबवीडी में कुछ ऑटोमेटिक टैग्स हम लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह का सेटिंग आपके यूट्यूब में भी है, उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूट्यूब के एक सेटिंग पर जाकर आप वहाँ पर कुछ टाइटल लिख देंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, कुछ टैग्स लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिक हर एक वीडियो में लग जाएगा। उसके अलावा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको पहले ही ऐड करना होगा वो सब चीज़। जैसे कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कुछ चीज़ आपका कॉमन होता है हर वीडियो में, जैसे कि आप अपने अबाउट चैनल लिखते हैं, अपने कुछ लिंक्स देते हैं, यूट्यूब का हो, ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, वो सारे लिंक्स तो आपके हर वीडियो में कॉमन ही होते हैं। उसके अलावा कुछ टैग्स भी कॉमन होते हैं, जैसे हाउ टू का टैग्स लगाना, google.com का टैग लगाना, आपके चैनल के नाम का टैग लगाना, इस तरह के एक टैग कॉमन होते हैं। उसके अलावा हैशटैग भी उसमें आप जो है ऐड वहीं से किया जाता है, जो भी लोग हैशटैग डिस्क्रिप्शन वगैरह में लगाते हैं या फिर कहीं से, उसके लिए बेस्ट जगह वहीं पर टैग का दिया रहता है, वहाँ से मैं सिखाऊँगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बेस्ट टैग्स लगाते हैं, तो वो भी आप यहीं पर सीख लेंगे एकदम उस तरह से। मैं कई एक दफ़ा अपने वीडियोस पे देखता हूँ कि 9 व्यूज़ में भी मेरा वीडियो रेटिंग में होता है, सर्च लिस्ट में आ जाता है, वो भी दो चार वीडियोस के बाद। तो मैं टैग्स कहाँ से लगाता हूँ और किस तरह से लगाता हूँ मैं वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो साइट आप अपने वीडियोस अपलोड करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, तो सबसे पहले उस साइट पे जाना होगा। मैं यहाँ पर क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं क्रोम में चला जाता हूँ। और वहाँ पर आपको करना क्या होगा कि देखिए वहाँ पर youtube.com पर आप क्लिक कीजिएगा, तो जैसे वीडियो अपलोड करते वक्त जो खुलता है जो भी, उसी तरह से यहाँ पर खुल जाएंगे। और ये होम पेज होगा और ये डेस्कटॉप साइट में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डेस्कटॉप साइट में ही वीडियो अपलोड होते हैं, अगर डेस्कटॉप साइट ना हो तो वीडियो अपलोड भी नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पर इस डेस्कटॉप साइट में जाकर आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इधर आपका एक कोने में जो होता है एक, इधर से मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ये ऑप्शन देता है कोने में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोने में ऐसे दबाएंगे तो ये खुलेगा, अपने चैनल के लोगों पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर दीजिए आप। तो सिंपली क्रिएटर स्टूडियो पे आप पहुँच जाएंगे और क्रिएटर स्टूडियो आप खुल रहा है मेरा, तो वहाँ से आपको करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए इधर ये क्रिएटर स्टूडियो खुला, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है साइड में, वीडियो मैनेजर है, लाइव स्ट्रीम है, कम्युनिटी है, चैनल है, एनालिटिक्स है। तो यहाँ पर आप जो है चैनल पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी चैनल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है फिर से तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन चैनल के खुल जाएंगे यहाँ पर, वो मोनेटाइजेशन, देखिए स्टेटस एंड फीचर्स है, मोनेटाइजेशन है, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स है, ब्रांडिंग है और एडवांस है। तो आप यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक कीजिएगा और अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रीवीसी, कैटेगरी, लाइसेंस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स ना, कमेंट्स इन रेटिंग, मोनेटाइजेशन, एड फॉर्मेट, एड ब्रेक्स, वीडियो लैंग्वेज, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे और भी हैं। तो ये सब जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ये सब आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं। मतलब यहाँ पर जैसे आपके प्रीवीसी आप हो सकता है कि हमेशा पब्लिक ही रखते हैं, तो अगर आपको बार बार करना पड़ता है पब्लिक, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक मरतबा पब्लिक कर दीजिए तो आपके हर एक वीडियो में जो भी आप आगे अपलोड करेंगे तो उसमें पब्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको आपको
कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपके कैटेगरी है, कैटेगरी में आप कौन कैटेगरी लेते हैं, ऑब्वियसली अगर आपके चैनल में कोई ऐसा कैटेगरी है जो फिक्स है, आप किसी एक कैटेगरी पे वीडियोस बनाते हैं तो ही वीडियो ज़्यादा चलने की संभावना होती है। तो यहाँ पर एजुकेशन, मैं एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप इंटरनेट पे, इंटरटेनमेंट पे, फिल्म एनिमेशन पे, गेमिंग पे, किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको बार बार एडवांस सेटिंग में जाकर जो आप अपलोड करते वक्त करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एजुकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए तो आप हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइसेंस, देखिए लाइसेंस दो किस्म का होता है, या तो आपको पता ही होगा, एक क्रिएटिव कॉमन होता है और एक स्टैंडर्ड होता है। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस अगर यूज़ करते हैं आप तो एक बार यहाँ पर कर दीजिए, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से देखिए टाइटल में, क्या है कि आप हर एक वीडियो के लास्ट में हो सकता है कि आप कुछ लगाते हो, जैसे कि अपना नाम लगाते हो या अपने चैनल का नाम लगाते हो, तो वो टाइटल यहाँ पर जितना आप हर एक में कॉमन लगाते हैं उतना ही यहाँ पर लगाना है। मैंने यहाँ पर नसरुल्लाह अपना नाम लगा रखा है, तो इसी तरह से। और अगला यहाँ पर जो है आपका, ये देखिए डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी करके लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो डिस्क्रिप्शन आप हर एक में कॉमन रखते हैं, जैसे कि अपने वीडियो का, वीडियो के बारे में नहीं, सॉरी, अपने चैनल के बारे में, अबाउट चैनल, या कुछ लिंक्स जो होते हैं आपके चैनल के लिंक्स, आपके फेसबुक पेज के लिंक्स, वो तो सब में कॉमन होते हैं ना, तो वो सब चीज़ को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक हर एक में लग जाएगा, आपको फिर दोबारा कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से देखिए टैग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिए मैंने दो तीन टैग लगा रखे हैं, एक तो नसरुल्लाह अपने नाम का, एक तो हाउ टू लगा रखा है, और एक नाउ ऑल इन वन लगा रखा है। आप जैसे टैग पेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर टैग कीजिएगा, ठीक है। ये टैग लगाने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये तीनों टैग जो होता है आ जाएगा, मतलब ये टैग हमको दोबारा फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक वीडियो में जो भी मैं अपलोड करूँगा इसको ऑटोमेटिक, मैं एक बात बता दूँ आपको, हाउ टू मैंने लगा रखा है। हाउ टू लगाने का फ़ायदा यह है कि हाउ टू से रिलेटेड अक्सर वीडियोज़ होते हैं, ये टैग ऐसा टैग है जो कि हर एक में आपको लगाना ही चाहिए, कम से कम हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक लगा दीजिए, तो कि ताकि आपका हाउ टू वाला में ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा सा अपना ये बना सके, जगह बना सके। उसके अलावा अगर आप हैश टैग का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है यहीं पर आप अपने हैश देकर, जैसे मैं नाउ ऑल इन वन है तो नाउ ऑल इन वन मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूंगा, ये मेरा हैश टैग हो गया, ठीक है। अब ये हैश टैग है, इसी तरह से हैश टैग और आप किसी तरीके से रखना चाहते हैं, अपना नाम का रखना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं ऑटोमेटिक। मैं एक बात और बता दूँ कि हैश टैग आपको डिस्क्रिप्शन में रखिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बेटर है, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है कॉमन रेटिंग्स, जो भी है यहाँ पर आप, मैं एक और ये देखिए लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो लैंग्वेज। आमतौर पर हम लोग कोई एक ही लैंग्वेज में बनाते हैं वीडियो, या तो हिंदी में बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं, इंग्लिश में, या जो भी चीज़ में आप वीडियो बनाते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च करके एडवांस सेटिंग में जाकर आप बार बार शायद इसको सर्च करके वहाँ पर आप अपना लैंग्वेज को चेंज करते होंगे, तो यहाँ पर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप एक बार कर दिए हिंदी, जैसे मैंने कर रखा है हिंदी, मैं हिंदी में बनाता हूँ वीडियोज़, तो ये ऑटोमेटिक जो है अब ये लग जाएंगे, हमको एडवांस सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो में एक मरतबा अपने मोबाइल में यहाँ पर जाके इस तरह सेटिंग में जाकर, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर चैनल के अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाकर कर लेंगे, तो आपको हर एक बार के लिए ये वीडियो, ये जो भी है, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। और एक होता है कीवर्ड प्लानर, तो मैं कीवर्ड प्लानर से दिखाता हूँ। ये देखिए कीवर्ड प्लानर नीचे में इस तरह से आ गया, कीवर्ड प्लानर पर खुलेगा, लीव दिस साइट है ना, तो वहाँ पर कीवर्ड प्लानर पर जाते ही वहाँ पर तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे आपको, तो उसमें से जो तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ही होता है, यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड टूल तीसरा पे देखिए गूगल कीवर्ड प्लानर अल्टरनेटिव फॉर SEO फ्री, तो ये तीसरा पे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अगर, तो आपको जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक पेज ऐसे खुलेगा, जिसमें बहुत ही अच्छा क्या है कि यहाँ पर आप जो है कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू क्रिएट ए चैनल, ऐसे लिखा आपने। अब इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगे वो, सॉरी, जो भी आपके टाइटल अब तक यूज़ हुए होंगे वो सारे टाइटल्स यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए दो चार बात है, एक तो ऐसा है कि अगर यहाँ पर आप सिर्फ सीधे सीधे गूगल में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर कोना में देखिए, ये कोना में यहाँ पर देखिए गूगल लिखा हुआ है, फिर यूट्यूब लिखा हुआ, फिर बिंग लिखा हुआ, अमेजोन, ईबे, ऐप स्टोर, इंस्टाग्राम, मतलब आप जो टाइटल खोज रहे हैं वो कहाँ पर खोज रहे हैं आप,
या तो वो YouTube के लिए खोज रहे हैं, या तो वो Bing के लिए खोज रहे हैं, या तो वो Amazon के लिए खोज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑल कर रखा है यहाँ पर, ये देखिए ये ऑल कर रखा है। तो ऑल के जगह पे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका खुल जाएगा, और फिर जैसे आप जो भी यहाँ पर सर्च करेंगे कीवर्ड, यहाँ पर लिखने का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे मैंने हाउ टू क्रिएट चैनल लिखा है, तो वहाँ पर जो भी आप कीवर्ड सर्च करेंगे, तो वो कीवर्ड से रिलेटेड जो भी टैग्स होंगे पहले से ही मौजूद, वो टैग्स आपको इस तरह से पूरा, देखिए पूरा कितना लंबा लिस्ट है, वो यहाँ से आ जाएंगे जो कि हाई रेटेड टैग्स होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक एक करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये आपको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना आपको पसंद हो, 10 ठो 20 ठो 15 ठो जो भी चाहिए आपको, सब पे क्लिक करते जाइएगा, सेलेक्ट होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोना में, यहाँ एक इस नीचे वाले कोने में आ जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉपी लिखा हुआ, मैंने 6 ठो में अभी तक मैं टिक मारा, 6 ठो भी मार्क किया, तो यहाँ पर 6 ठो कॉपी का ऑप्शन में आ रहा है। इस तरह से अगर आप कॉपी कर लेंगे तो वो सीधे आपके इसमें कॉपी हो गया, और वहाँ पर जाकर आप अपने डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर जाकर एकदम सीधा सीधी पोस्ट कर दीजिए। सिर्फ हर एक के लास्ट में जो कॉमा लगाते हैं वो लगा दीजिएगा, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें किसी तरह का कोई आपको मतलब ये नहीं आएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस या कुछ भी जो भी आते हैं कुछ नहीं होगा। ये टाइटल आप बहुत हाई रेटिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये सब बहुत ही अच्छे टाइटल्स हैं, है ना। ये गूगल खुद देता है ये कीवर्ड टूल जो है, जैसे आप इससे पहले कुछ लोग मैंने वीडियो देखा है वो लोग उसका भी यूज़ करते हैं, गूगल एडसेंस का यूज़ करते हैं, एडसेंस का नहीं मतलब एक और तरीके से यूज़ करते हैं वो, तो वहाँ से भी जो कर देखा है तो इसी तरह से है वो भी, कुछ खास नहीं है उसमें इसके अलावा, और ये देखा हूँ उससे कहीं आसान है। तो मैं यही वाला यूज़ करता हूँ, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।